हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विथ रोहित 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रश्नों को, जिसमें क्या करना रहेगा, रेट ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला दोस्तों? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर इस स्थिति में ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे। आर इजकल टू होता है सी आई माइनस का एस आई बट्टे होता है हाफ गुना एस आई, और रेट परसेंटेज के मतलब क्या करते हैं, 100% से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। तो ये दोस्तों क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। इसकी सहायता से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं दोनों को बोल रहा है कितना, सर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है। तो दोस्तों दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि 320 328 माइनस का 320 बटे क्या लिखेंगे, 1/2, और क्या करेंगे एस आई कितना है, 320। एस आई दोस्तों 320 है, और क्या है सी आई 328, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100% से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे दोस्तों, क्या जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हाफ 1/2 इंटू 320 100%। दोस्तों इसको क्या करेंगे, काटते हैं क्या आता है, 160। अगर इसको काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20 से 0 से 0 क्या कर देंगे, इधर कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 5, यानी कि क्या हो गया 5% क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी 5% क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। शॉर्ट ट्रिक से डिडक्ट क्या करते हैं, बना सकते हो। इससे भी आसान क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको लिखना है तो सी आई अंतर निकाल लेंगे एक ही बार में, 8 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष के लिए है, तो इसको क्या करेंगे हाफ एस आई दिया गया है, एस आई कितना 320, और 100 से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको 4 से काटेंगे 40, इसको काटेंगे 20, इसको काटेंगे 5, डायरेक्ट इतना ही में क्या हो जाएगा 5% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसान से आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बोला किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी क्या करना है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें बोल रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 4 वर्ष का साधारण ब्याज, क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज रहता है, तो दोस्तों उस फॉर्मूला से क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और जबकि 4 वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम इस प्रकार से करने वाले हैं कि पहले 2 वर्ष का हम क्या लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 ईयर्स का दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों 220, और जबकि साधारण ब्याज अगर देखें 2 वर्ष का, 2 वर्ष का निकालेंगे, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज देखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है साधारण ब्याज में, तो प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी 400 है, 2 वर्ष का निकालना, ये लिखा गया 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष के निकालेंगे, प्रत्येक साल बराबर होता है, 100 हो जाएगा, यानी 2 ईयर्स कितना 200। तो अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं रेट निकालने के लिए, सी आई माइनस का एस आई बटे हाफ गुना एस आई, और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कितना हो जाएगा, इधर हो गया 220 माइनस का 200, नीचे लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे एस आई, यानी कि 200, परसेंटेज के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे, गुना कराते हैं दोस्तों। आगे अगर देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 घट के, नीचे हो जाएगा हाफ, इधर 100 से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। तो इस प्रकार से गुना कराने को, इसको काटेंगे अगर दोस्तों तो 100 हो जाएगा, इधर काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना 20%, क्या रहा है दोस्तों 20% आ रहा है। तो 20% आ रहा है ब्याज, क्या रहा है दोस्तों ब्याज आ रहा है, 20% क्या हो रहा है ब्याज।
दोस्तों 20% रेट क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, 20%। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है किसी राशि का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तथा साधारण ब्याज क्या है इतना है, तो मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों इसमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेट ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, रेट ज्ञात करेंगे। तो रेट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम बता चुके, क्या होता है, आर बराबर सी आई माइनस का एस आई बटे हाफ एस आई गुना क्या लिखेंगे दोस्तों, परसेंटेज के लिए 100%। इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर देखते हैं ये कितना है, 40.80 माइनस क्या करेंगे 40, नीचे क्या लिखेंगे 1/2 और सिंपल इंटरेस्ट 40 है, परसेंटेज के लिए 100 क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 0.80, इधर क्या हो जाएगा 1/2 40 × 100। तो इसको क्या करते हैं, इसको अगर उड़ाएंगे दोस्तों 00 नीचे आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल कर देंगे, इसको 8 से काटेंगे तो 5 बार में 50, इसको काटेंगे 2 से 25 और इसको काटेंगे दोस्तों कितना 4, यानी कितना परसेंट, रेट जो निकल गया कितना परसेंट निकल गया दोस्तों, रेट मेरा निकल गया 4%। अगर देखते हैं, अगर क्या करते हैं 4% निकाल, अगर चक्रवृद्धि ब्याज लेके 4% चलेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अगर हम साधारण ब्याज को लेते हैं, क्या लेते हैं साधारण ब्याज, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का रेट जो हो जाएगा, 2 वर्ष का अगर 2 वर्ष का रेट लेंगे दोस्तों, 2 वर्ष के लिए रेट जो होगा 8% होगा, 8% होगा, यानी 8% का वैल्यू क्या दिया गया, 40 दिया गया, यानी 8% का वैल्यू दिया गया ये 40। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे 40/8 × 100, इसको काटेंगे दोस्तों 5 बार में, ये क्या हो गया 100% का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 500, यानी कि मूलधन अगर देखा जाए तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उसको क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 500। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बोला 5000 रुपया पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 32 है, तदानुपात ब्याज की दर कितनी है, अगला ब्याज की दर कितनी है। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसको ब्याज की दर बराबर एक फॉर्मूला आता है R=DYP का रूट ओवर 100। इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पे जो है डी, जहाँ पे हम देखेंगे डी बराबर क्या हो गया डिफरेंस, और जबकि पी बराबर क्या हो गया दोस्तों प्रिंसिपल। तो यूज करेंगे, इसमें क्या दिया गया प्रिंसिपल दिया गया, कितना दिया गया है 5000, जबकि डिफरेंस कितना दिया गया दोस्तों 32 दिया गया। तो क्या करेंगे 32/5000 लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे 100 से, काटेंगे 16 आ जाएगा दोस्तों, इसको काटेंगे तो 2500। अब इसको आगे देखेंगे 16/ क्या लिखा है 2500, यानी कहने का मतलब 100। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया 4/50 हो जाएगा, ये समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा 100 है, इसको 2 बार में गुना करेंगे, ये क्या हो गया 8% क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसान से आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।